दोस्तों, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सबके सामने अच्छा बनकर रहो, लोगों के साथ नाइसली बिहेव करो ताकि वो आपको पसंद करें। बट आज के टाइम पर देखा जाए तो एक नाइस मैन जो हमेशा सबको खुश रखता है, लोगों की नजरों में अच्छा बनकर रहता है, वो हर चीज करता है जिससे उसके आसपास के सभी लोग उससे खुश रहें। लेकिन फिर भी ऐसे आदमी की लोग कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं करते, उसे फोर ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि उसे हल्के में लेते हैं। इसीलिए ऑथर डेविड डीडा अपनी बुक द वे ऑफ सुपीरियर मैन में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम सिर्फ एक नाइस मैन से एक सुपीरियर मैन बन सकते हैं। सुपीरियर मैन एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी ऑलमोस्ट सभी लोग वैल्यू करते हैं, उसे और उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। एक सुपीरियर मैन वो होता है जिसकी हाई वैल्यू और सेल्फ एस्टीम होती है, क्योंकि वो अपना ऐसा कैरेक्टर डेवलप कर लेता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो नंबर वन, लिव एज इफ योर फादर वर डेड। जी हाँ, सही सुना आपने। ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसे जीना चाहिए जैसे आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हों। अब ये लाइन आपको सुनने में अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि हर कोई अपने फादर से प्यार करता है, तो ऐसा सोचना कि वो मर चुके हैं बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। बट ऑथर कहते हैं कि बचपन से लेकर हमारे सारे डिसीजंस की रिस्पांसिबिलिटी हमारे फादर की होती है, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें अपने डिसीजंस और अपनी लाइफ की रिस्पांसिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके फादर आपके लिए गलत डिसीजन लेते हैं, या आप बड़े हो गए हो तो आप उनसे ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हो, बल्कि यहाँ ऑथर आपको सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए कह रहे हैं, जहाँ आप अपने फायदे और नुकसान के खुद जिम्मेदार होते हो। मतलब ऐसा जीना सीखो जैसे मानो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई है ही नहीं, अब जो करना है आपने करना है, अब आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपके लिए क्या सही होगा क्या गलत, आपको अपनी लाइफ के सारे बड़े छोटे डिसीजंस खुद लेने हैं, चाहे वो आपका करियर हो या रिलेशनशिप्स या कुछ भी। अब आपकी लाइफ में आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको कोई भी गलत सही नहीं बताने वाला। आपके फादर बहुत अच्छे हैं, आपका वो हमेशा भला ही सोचेंगे, उन्होंने जितना करना था कर दिया, लेकिन अब आप खुद अपनी लाइफ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हो। नंबर टू, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमन। किसी भी आदमी का बिलीफ सिस्टम ये डिसाइड करता है कि वो मेंटली कितना अट्रैक्टिव है। लड़कियों से कम्युनिकेट करते टाइम आपको उन्हें अच्छे से सुनना चाहिए। अगर वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहती है कि आप उनकी बातों से अग्री करके अपना माइंड चेंज कर लो। वो ये टेस्ट कर रही हैं कि आप अपने आप में कितना बिलीव करते हो। अगर आप किसी लड़की के डिसीजन से अग्री कर रहे हो जबकि आप खुद बिल्कुल डिफरेंट डिसीजन में बिलीव रखते हो, तो आप एक वीक मैन हो जिसके माइंड को कोई भी आसानी से चेंज कर सकता है, जिसकी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है, खुद का बिलीफ सिस्टम नहीं है और ना ही सेल्फ एस्टीम। एक सुपीरियर मैन हमेशा अपने विजडम पर ट्रस्ट करता है और अपने आप में बिलीव रखता है। नंबर थ्री, स्टॉप होपिंग फॉर कम्प्लीशन ऑफ टास्क। हम सभी कभी ना कभी इस ट्रैप में फंसे हैं कि एक दिन आप वो सब कर लोगे जो आप करना चाहते हो, और हम बस उस दिन का वेट करते रहते हैं, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं कि जिस दिन सभी चीजें हमारे फेवर में होंगी तब हम स्टार्ट करेंगे। बट रियलिटी यह है कि जैसे जैसे किसी आदमी की लाइफ आगे बढ़ती है तो उसके साथ वो इजी नहीं होती, बल्कि फ्यूचर में लाइफ और डिफिकल्ट हो जाती है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, बिगर रिस्क ना ले पाना, हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। ऑथर कहते हैं कि अगर आप आज अपना फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे तो फ्यूचर में आप और स्टेप्स नहीं ले पाओगे। वेट करने में और पेशेंस रखने में फर्क होता है। अगर आप फर्स्ट स्टेप लेकर रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो तो वो आपका पेशेंस है, बट अगर आप बिना कोई स्टेप लिए सब कुछ बेटर होने का वेट कर रहे हो तो वो आपका टाइम वेस्ट है। ऑथर कहते हैं, एवरी मोमेंट वेटेड इज ए मोमेंट वेस्टेड। नंबर फोर, योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। जब भी कोई आपको अपना पर्पस ढूंढने को कहता है तो आप अपने पर्पस को अपने गोल्स और ड्रीम से रिलेट करने लगते हो, बट पर्पस का सिंपली मीनिंग होता है अपनी स्ट्रेंथ्स को पता करना और एक मीनिंग को अपनी लाइफ के साथ जोड़ लेना कि ऐसा क्या काम है जो आप पूरे दिल से कर सकते हो और अपने इन स्ट्रेंथ्स का यूज करके आप वर्ल्ड में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका पर्पस आपकी रिलेशनशिप से पहले आना चाहिए, जो ये दिखाता है कि आप कितने एम्बिशियस हो, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई पर्सन आपके और आपके पर्पस के बीच में आता है, आपको समझाने की जगह आपको डीमोटिवेट करता है या फिर एक रुकावट बन जाता है, तो आप उसे अपनी लाइफ से आसानी से निकाल सकते हो। वहीं अगर आप अपनी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ के पर्पस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हो, तो आप अपने एम्बिशंस, अपनी खुशी और सेटिस्फेक्शन को अगर दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर रहे होते हो, तो आप एक वीक मैन की तरह बिहेव कर रहे होते हो। एक सुपीरियर मैन हमेशा अपने काम को अपनी रिलेशनशिप से ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि अपनी लाइफ का पर्पस अचीव करने के लिए उसे उन लोगों की जरूरत होती है जो उसके पर्पस को समझे, ना कि रुकावट बने। नंबर फाइव, लीड जस्ट बियॉन्ड योर एज। इस फिलॉसफी को कई जगह यूज करा जा चुका है, आपने ये लाइन तो सुनी होगी, लाइफ बिगिंस एज सून एज यू स्टेप आउटसाइड योर कम्फर्ट जोन। अगर किसी को भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो उसका सिंपल एंड शॉर्ट तरीका है, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आ जाओ और वो काम करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। वो अपने कंफर्ट जोन में स्टक होकर रह जाते हैं, जो एक वीक मैन का साइन है। ऐसा नहीं है कि एक सुपीरियर मैन को अपना कंफर्ट जोन छोड़ने से डर नहीं लगता। डर सभी को लगता है, बट सभी लोग ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। वो जब चाहे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, पर कभी करते नहीं। वो बस अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के पेन को सह नहीं पाते, इसीलिए वो बस इसे अवॉइड करते हैं। बट एक सुपीरियर मैन अपने फियर्स को एक्सेप्ट करता है और उन्हें चैलेंज करता है। वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहता है, पर वो ये सब इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो बहुत लेजी है। वो इस बात को अवॉइड नहीं करता, बल्कि वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो लेजी है और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। नंबर 6, एंजॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। ऑथर कहते हैं, मैन ग्रो बाय चैलेंज while women by praise। हर लड़की का नेचुरल डिजायर होता है स्पेशल फील करना, और जब कोई उसे अप्रिशिएट करता है, उसे फील कराता है कि वो कितनी स्पेशल है, तो वो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। वही मैन चैलेंजेस से ग्रो होते हैं। एक सुपीरियर मैन कभी चैलेंजेस से दूर नहीं भागता, बल्कि वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, जिससे वो अपनी वीकनेस के बारे में जानते हैं और उस पर काम करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको हर वीक अपने क्लोजेस्ट मेल फ्रेंड्स के साथ बैठकर अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि आपके दोस्त आपकी तारीफ ना करें, बल्कि आपकी मीडियोक्रिटी को क्रिटिसाइज करें। आपकी सारी गलत बातों को आपके सामने रखें, जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। नंबर 7, चूज अ वुमन हु चूजेस यू। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमेशा लड़कियां ही अपने पार्टनर को चूज करती हैं। लड़के सिर्फ लड़कियों की चॉइस होते हैं, तो आपको अपना पर्सोना ऐसे बिल्ड करना चाहिए ताकि हर लड़की आपको चूज करे, आपको अपना पार्टनर बनाना चाहे। ऑथर कहते हैं कि अगर आप कभी अपने आप को इस सिचुएशन में पाओ जहां आप किसी लड़की को पसंद करते हो, जिसके साथ आप रहना चाहते हो, बट वो लड़की ऐसा फील नहीं करती, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो आपको इमीडिएटली पीछे हट जाना चाहिए और उस पेन से खुद डील करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी लड़की को चेस करो जो आपके साथ नहीं आना चाहती, तो वो आपको एक नीडी मैन बना देगा, जिससे लड़कियां बहुत ज्यादा हेट करती हैं, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में उस लड़की के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी ऐसी लड़की को चेस कर रहे हो जो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो आप कुछ भी करके उस लड़की के माइंड को चेंज नहीं कर सकते। फिल्म्स और रियल लाइफ में डिफरेंस है, और आपकी नीडीनेस आपके चांसेस को और खराब कर सकती है, जिससे कि आप एक लो वैल्यू मैन बन जाओगे और लड़की आप पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। एक सुपीरियर मैन सभी लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, अपने पर्पस पर काम करता है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा होता है, इसीलिए वो कभी वुमन को चेस नहीं करते, बल्कि वो उस वुमन को चूज करते हैं जो उन्हें चूज करती है। नंबर 8, फाइंड योर कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट। 80% से ज्यादा मेल मैस्कुलिन नेचर के होते हैं, जो स्ट्रेंथ, करेज, लीडरशिप और इंडिपेंडेंस जैसी क्वालिटीज को शो करते हैं, जिनके साथ लोग प्रोटेक्टेड और सेफ फील करते हैं। वहीं बाकी 20% से कम आदमी में फेमिनिन नेचर ज्यादा देखा जाता है, जो सेंसिटिव, इमोशनल और ह्यूमिलिटी जैसी क्वालिटीज को शो करते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग लव की सिंपल इक्वेशन है, अगर कोई आदमी बहुत ही मैस्कुलिन नेचर का है, तो वो फेमिनिन नेचर से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जो एक दूसरे की एनर्जी को न्यूट्रल करेंगे। वहीं अगर कोई आदमी फेमिनिन नेचर का है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग और हाईली मैस्कुलिन टाइप वुमन से अट्रैक्ट होगा। इसीलिए आपको अपने और अपने पार्टनर के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज मैन और वुमेन दोनों में पाई जाती हैं, और आपको हमेशा अपने नेचर से ऑपोजिट नेचर वाले पार्टनर को चूज करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में आपकी एनर्जी को कम्प्लीट करे और एक बैलेंस बना के रखे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।